बढ़ता तापमान चिंता का विषय बन गया है। इसका असर हमारे आसपास के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय समुदाय पर हो रहा है। इन मुश्किलों से लोगों को बचाने के लिए बहराइच डीएम की पहल पर जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए डीएम के निर्देश पर 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आए दिन रिपोर्ट आ रही है। वैज्ञानिक लोगों को बदलते मौसम के प्रति सचेत कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक मुद्दा है जो मानवता के लिए गंभीर चुनौती प्रदान कर रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के तापमान में सतत वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये बढ़ता तापमान चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय समुदाय पर इसका असर हो रहा है। इन सभी मुद्दों के साथ एक सामान्य प्रश्न उठता है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई समाधान है? क्या हम इस वैश्विक समस्या को सुलझा सकते हैं? इसका जवाब है वन और वनस्पति संरक्षण। बता दें कि वन और वनस्पति संरक्षण ग्लोबल वार्मिंग के समाधान का अहम हिस्सा है। पौधारोपण, वन्य जीवों के संरक्षण और जंगलों को बचाने से इस समस्या पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसी क्रम में बहराइच की डीएम की पहल पर जिला प्रशासन ने वन महोत्सव की शुरुआत की है। 1 से 7 जुलाई तक पूरे जिले में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रहलादा प्राथमिक विद्यालय में क्षेत्रीय उपवन अधिकारी राशिद जमील और मंडल उपाध्यक्ष भाजपा कुश कुमार की अध्यक्षता में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए पीपल और अन्य पर्यावरण उपयोगी पौधे लगाए गए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं लोगों को पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने की शपथ भी दिलाई गई। वन दरोगा सत्यजीत सिंह ने कहा कि स्वच्छ हवा और वातावरण के लिए हरे भरे वृक्षों का होना अति आवश्यक है। वन महोत्सव कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय प्रहलादा की अध्यापिका सबीना ऋचा जायसवाल, निधि पोद्दार ने भी हिस्सा लिया। वहीं सीमा वर्मा और बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित किया। डिप्टी रेंजर वन विभाग राम बिहारी शुक्ला, भाजपा मंडल मंत्री लीलाधर पांडे, वन रक्षक प्रवेश कुमार और प्रधान करौंदा राहुल वर्मा ने भी लोगों को पौधे लगाने के प्रति सचेत किया। उपवन अधीक्षक राशिद जमील ने कहा कि जब तक पौधों का संरक्षण नहीं होगा तब तक वो पेड़ नहीं बनेंगे। इन पौधों के पेड़ बने बिना हरियाली की योजना अधूरी है। ऐसे में समाज के सभी लोग अपनी सहभागिता निभाने के लिए आगे आए। एक से 7 जुलाई में गाँव वालों को प्रेरित किया जाता है। स्कूलों में मतलब सभी जगह जो है वृक्षारोपण किया जाता है और 7 तारीख के बाद हम लोग अपना प्लांटेशन शुरू कर लेते हैं। आज लास्ट डे है, आज इसी विद्यालय में हमने कार्यक्रम किया है। कितने वृक्ष लगे हैं? 20 वृक्ष यहाँ पे लगे हैं जो है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।